दिल्ली के सवालों का जवाब देंगे केजरीवाल। जाने दिल्ली के सीएम ने क्या शर्त रखी है। जी हां, आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के आर समन को दरकिनार करने के बाद मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आखिरकार अब ईडी के सवालों का सामना करने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि उन्होंने शर्त रखी है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। चूंकि दिल्ली सरकार का बजट सत्र 8 मार्च तक चलेगा, ऐसे में अपने कुछ पहले से ही तय कार्यक्रमों को देखते हुए केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद की कोई तारीख देने की मांग ईडी से की है। उन्होंने दोहराया है कि वैसे तो ये सारे समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वह सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार की शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए ईडी पिछले 4 महीनों से अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है, लेकिन अभी तक वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। हालांकि अब पहली बार उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के सारे सवालों का जवाब देने की पेशकश की है। ईडी ने पिछले हफ्ते ही केजरीवाल को 8वां समन भेजकर उन्हें 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन दिल्ली सरकार के बजट सत्र को देखते हुए केजरीवाल सोमवार को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बजट के बाद हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि मेरा हमेशा ये स्टैंड रहा है कि ईडी के समन कानूनी रूप से गलत है। इसका कारण साफ करने के लिए मैंने उन्हें लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी, लेकिन उन्होंने चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें जवाब देना चाहिए था। जिन कानूनी दलीलों के आधार पर मैंने ये बात कही, उन्हीं दलीलों के आधार पर दूसरे मामलों में हाई कोर्ट ने ईडी के समन को निरस्त किया है, लेकिन वो नहीं मान रहे और समन पर समन भेज रहे हैं। सीएम ने कहा कि ईडी ने जानबूझकर उन्हें ऐसी तारीखों पर बुलाया जब उनका जाना संभव नहीं था। पिछली बार उन्हें एलजी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेना था और सोमवार को बजट पेश होना था। सीएम ने कहा कि मैंने ईडी को कहा है कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम कुछ छुपा नहीं रहे। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। इसके अनुसार किसी भी कोर्ट में किसी भी पार्टी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की छूट है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की बात कही है। ये मेरा अधिकार भी है और मैं समझता हूँ कि ईडी मुझे उसकी अनुमति देगी। प्रोसीडिंग के लाइव प्रसारण की मांग से जुड़े सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन अगर ईडी चाहे तो ऐसा कर सकती है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।